हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लास फॉर हिंदी। मायसेल्फ मिस जया, योर हिंदी टीचर। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी चैप्टर नंबर 4 ऑफ आवर नवीन पल्लव बुक, एंड द नेम ऑफ चैप्टर नंबर 4 इज माँ कहे एक कहानी। यह एक कविता है जिनके कवि का नाम श्री मैथिली शरण गुप्त जी हैं। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू रीड दिस पोएम वंस एंड आफ्टर दैट आई एक्सप्लेन यू द मीनिंग ऑफ दिस चैप्टर। माँ कह एक कहानी। बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी? कहती है मुझसे यह चेटी, तू मेरी नानी की बेटी। कह माँ कह लेटी ही लेटी, राजा था या रानी? माँ कह एक कहानी। तू है हटी मान धर मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे तात भ्रमण करते थे तेरे। सुन उपवन में बड़े सवेरे तात भ्रमण करते थे तेरे, जहां सुरभि मन मानी। जहां सुरभि मन मानी, हाँ माँ यही कहानी। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, छलमल कर हिम बिंदु छिले थे। हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु झिले थे। हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी। लहराता था पानी, हाँ हाँ यही कहानी। गाते थे खग कलकल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से। गिरा बिद्ध होकर खग शर से, हुई पक्षी की हानि। गाते थे खग कलकल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से। गिरा बिद्ध होकर खग शर से, हुई पक्षी की हानि। हुई पक्षी की हानि, ओ माँ करुणा भरी कहानी। चौक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया। इतने में आंखें टक आया, लक्ष्य सिद्धि का मानी। चौक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया। इतने में आंखें टक आया, लक्ष्य सिद्धि का मानी। लक्ष्य सिद्धि का मानी, कोमल कठिन कहानी। मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी। तब उसने जो था खग भक्षी, हट करने की ठानी। मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी। तब उसने जो था खग भक्षी, हट करने की ठानी। हट करने की ठानी, अब बढ़ चली कहानी। हुआ विवाद सदै निर्दय में, उभे आग्रही थे स्व विषय में। गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी। हुआ विवाद सदै निर्दय में, उभे आग्रही थे स्व विषय में। गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी। सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका? राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका? कहते निर्भय जय हो जिसका। सुन लू तेरी बाणी माँ, मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी।
कोई निरअपराध को मारे तो क्यों अन्य उसे ना उबारे। रक्षक कर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी। कोई निरअपराध को मारे तो क्यों अन्य उसे ना उबारे। रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी। न्याय दया का दानी, तूने गुनी कहानी, तूने गुनी कहानी। सो दैट इज ऑल फॉर दिस पोयम। सो आई होप यू ऑल हैव लव्ड दिस पोयम। सो लेट अस नाउ रीड द जीवन मूल्य ऑफ दिस पोयम। जीव जंतुओं पर सदा स्नेह, दया एवं करुणा का भाव रखना चाहिए। तो विद्यार्थियों, अब हमारे सामने इस कविता की कुछ पंक्तियां हैं, तो चलिए अब हम इनका अर्थ अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। माँ कह एक कहानी, इस पंक्तियों में जो बेटा है उसका नाम है राहुल और उसकी माँ का नाम है यशोधरा। प्रस्तुत पंक्तियों में राहुल अपनी माँ से कहानी सुनाने के लिए कह रहा है और माता यशोधरा राहुल को कहानी सुना रही हैं। राहुल अपनी माँ यशोधरा से कहता है, माँ एक कहानी सुनाओ, राजा या रानी की कहानी सुनाओ। यशोधरा कहती है कि पुत्र तू हट करता है तो सुन। एक दिन सुबह बगीचे में तुम्हारे पिता घूम रहे थे, वहां फूलों की सुगंध चारों ओर फैल रही थी। इतना सुनकर राहुल कह उठता है कि हाँ माँ, मुझे यही कहानी सुनाओ। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, तो इस पंक्ति का अर्थ है रंग बिरंगे फूल खिले थे। वर्ण वर्ण का अर्थ है रंग बिरंगे। रंग बिरंगे फूल खिले थे, झलमल कर हिमबिंदु झिले थे और उन पर ओस की बूंदे झिलमिला रही थी। हिमबिंदु का यहाँ पर अर्थ है ओस की बूंदे, वहां पर झिलमिला रही थी। हल्के झोंके हिले मिले थे, हवा के हल्के हल्के झोंके चल रहे थे। लहराता था पानी और तालाबों में पानी लहरा रहा था। लहराता था पानी, हाँ हाँ यही कहानी, हाँ हाँ माँ यही कहानी सुनाओ। गाते थे खग कलकल स्वर में, जो पक्षी हैं वो कल कल की आवाज करते हुए गा रहे थे। सहसा एक हंस ऊपर से, सहसा यहाँ पर इस पंक्ति का अर्थ है उसी समय अचानक नुकीले तीर से घायल होकर एक हंस नीचे गिरा। सहसा एक हंस ऊपर से गिरा भिद्ध होकर खगशर से, और वो जो पक्षी था उसके पंख घायल हो चुके थे। और यह कहानी बहुत ही करुणा भरी थी। हुई पक्षी की हानि, हुई पक्षी की हानि मतलब यहाँ पर पक्षी को हानि हो रही है। यह कहानी बहुत ही करुणा भरी है। चौक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया। तो यहाँ पर पहली पंक्ति है हमारी, चौंक उन्होंने उसे उठाया। तो पिता अचानक से जब आसमान से वो पक्षी बिद होकर जमीन पर गिरता है, तो जो पिताजी हैं वो एकदम से चौंक जाते हैं और उस पक्षी को उठा लेते हैं अपने हाथों में। नया जन्म सा उसने पाया, और जब पिताजी ने उस पक्षी को उठा लिया था तो उस पक्षी को ऐसा लगा
कि मानो उसने नया जन्म सा पा लिया हो। इतने में आखेटक आया और थोड़ी ही देर में शिकारी अपने अचूक निशाने पर खुश होता हुआ आ पहुंचा। लक्ष्य सिद्धि का मानी, उसे अपने लक्ष्य पर बहुत घमंड था। वो जो शिकारी था उसके मन में पूरा विश्वास था कि जो उसका निशाना है वो बिल्कुल खराब नहीं गया है, बल्कि उसने अपना शिकार कर लिया है। तो अपने शिकार को लेने के लिए वो उस जगह पर पहुंचता है जहां पर पिताजी उस पक्षी को अपने हाथ में लिए खड़े हैं। कोमल कठिन कहानी, यह कहानी कोमल और कठोर भावनाओं वाली है। ये जो कहानी है इसमें बहुत सी कोमल भावनाएं हैं, बहुत ही कठिन भावनाएं भरी हुई हैं। मांगा उसने आहत पक्षी का मतलब है आखेटक ने घायल पक्षी पर अधिकार जताना चाहा। जो जैसे ही वहां पर शिकारी पहुंचा उसने कहा कि यह मेरा शिकार है, मैंने इसे शिकार करा है, यह पक्षी मेरा है। तो उसने वहां पहुंचकर उस पक्षी पर अपना अधिकार जताना चाहा था। तेरे तात किंतु थे रक्षी, लेकिन जो तुम्हारे पिताजी थे उन्होंने उस पक्षी की रक्षा करी। तुम्हारे पिता उसकी रक्षा करने वाले थे, वो जो पक्षी था उसकी रक्षा करने वाला वहां कौन था? तुम्हारे पिताजी। तब उसने जो था खग भक्षी, और तब मांस खाने वाला वह व्यक्ति उसे वापस पाने की जिद करने लगा। ये जो खग भक्षी मतलब जो उस पक्षी का शिकार करके वो उसको खा जाया करता था, तो तब उसने जो था खग भक्षी हट करने की ठानी। तब क्या हुआ? तब मांस खाने वाला वह जो व्यक्ति था उसे वापस करने की जिद करने लगा कि यह शिकार मेरा है, यह पक्षी मुझे वापस दो। इस प्रकार वह बहुत ज्यादा जिद करने लगा कि यह मेरा शिकार है, मैंने इसे शिकार किया है, तुम मेरा शिकार वापस कर दो। हट करने की ठानी, अब बढ़ चली कहानी। तो इस प्रकार कहानी आगे बढ़ चलती है। हुआ विवाद सदैव निर्दय में, यहां पर हुआ विवाद सदैव निर्दय में का अर्थ है दयालु और निर्दय में कहा सुनी होने लगी। ये जो यहाँ पर दयालु कौन थे? पिताजी। और जो निर्दय कौन था? शिकारी। उन दोनों के बीच में कहा सुनी होनी शुरू हो गई। उभय आग्रही थे स्व विषय में, और उभय आग्रही मतलब है दोनों ही अपने अपने विषय पर तर्क कर रहे थे। दोनों ही अपनी अपनी तरफ से अपनी दलीलें पेश कर रहे थे, दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। गई बात तब न्यायालय में, जब बात राज्य के न्यायालय में गई तब सभी लोग ने इस कहानी को सुना। गई बात तब न्यायालय में सुनी सभी ने जानी, और क्योंकि ये जो वाद विवाद था बहुत ज्यादा आगे बढ़ गया था, तो जब यह बात राज्य के न्यायालय में चली गई तब सभी लोगों ने इस कहानी को सुना जाना, और यह कहानी व्यापक हो गई। सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। तो न्यायालय में जाने के कारण जो कहानी है वो सभी लोगों को पता चल गई और वह कहानी व्यापक हो गई। सभी लोगों को पता चल गया, सारे में फैल गई। राहुल तो निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका। अब यहां पर यशोधरा जो माँ है वो अपने बेटे से कहती है, राहुल बेटा तू ही इसका निर्णय कर कि न्याय किसकी तरफ होना चाहिए। अब
कह दे निर्भय जय हो जिसका। तो निर्भय होकर बता कि जीत किसकी होनी चाहिए। माँ राहुल से कहती है, बेटा तू बिल्कुल डर मत, तू निर्भय होकर कह दे कि आखिरकार जीत किसकी होनी चाहिए। सुन लो तेरी बानी, मैं तुम्हारा भी न्याय सुन लू। तो माँ राहुल से कहती है कि मैं भी सुनना चाहती हूँ कि आखिर तुम क्या सोचते हो इस विषय में, यहाँ पर जीत किसकी होनी चाहिए। तो मेरा मन है कि मैं तुम्हारा न्याय सुन लू। माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। और फिर राहुल कहता है कि माँ मैं क्या बोलूं, मैं तो एक कहानी सुन रहा हूं। कोई निरपराध को मारे। फिर राहुल कहता है, यदि कोई अकारण बिना किसी वजह के बिना किसी अपराध के किसी को मारे तो क्यों अन्य उसे ना उबारे, तो क्या दूसरे को उसकी रक्षा नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पर इन पंक्तियों में राहुल अपनी माँ से कह रहा है कि अगर कोई बिना किसी अपराध के किसी को मारता है तो क्या किसी दूसरे को उसकी मदद नहीं करनी चाहिए, तो क्या उसकी रक्षा नहीं करनी चाहिए। रक्षक पर भक्षक को वारे। मारने वाले से रक्षा करने वाला बहुत महान होता है। अब राहुल अपनी माँ से कहता है कि जो रक्षा करने वाला होता है वो बहुत ही महान व्यक्ति होता है। न्याय दया का दानी। न्याय सदैव दया का पक्ष लेता है। अब राहुल अपनी माँ को समझाता है, बताता है, माँ जो न्याय है वो सदैव हमेशा दया का ही पक्ष लेता है। इस पर माँ कहती है कि तुमने कहानी के मर्म को ठीक से समझा है। तो उसके इन विचारों को सुनकर माँ के मन से केवल एक ही वाणी निकलती है, हाँ तुमने इस कहानी को बहुत ही भली भांति समझा है और तुमने इस कहानी के मर्म को अच्छे से जाना है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार इस कविता का सार खत्म होता है और आशा करती हूँ कि आपको ये कविता बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। सो स्टूडेंट्स, नाउ देयर आर सम शब्दार्थ ऑफ दिस चैप्टर विच वी आर गोइंग टू रीड नाउ, एंड दीज शब्दार्थ यू हैव टू डू इन योर नोटबुक ऑल्सो। सो लेट अस रीड दिस शब्दार्थ वंस। तो पहला शब्द है हमारा चेटी। चेटी का अर्थ है दासी। सेकेंड हठी। हठी का अर्थ है हट करने वाला। थर्ड इज तात। तात का अर्थ है पिता। फोर्थ वन इज ब्राह्मण। ब्राह्मण का अर्थ घूमना। फिफ्थ वन इज सुरभि और इसका अर्थ है सुगंध। नेक्स्ट इज हिम बिंदु और इसका अर्थ है ओस की बूंदे। नेक्स्ट वर्ड इज खग और इसका अर्थ है पक्षी। नेक्स्ट वर्ड इज सहसा, अर्थ अचानक। नेक्स्ट बिद्ध और इसका अर्थ है छिदा हुआ। नेक्स्ट इज शर। शर का अर्थ है बाण। नेक्स्ट इज आखेटक और इसका अर्थ है शिकारी। नेक्स्ट इज लक्ष्य, इसका अर्थ है निशाना। नेक्स्ट इज आहत और इसका अर्थ है घायल। नेक्स्ट वन इज खग भक्षी और अर्थ है पक्षियों को खाने वाला। नेक्स्ट इज विवाद, विवाद का अर्थ है
झगड़ा। नेक्स्ट इज सदै और इसका अर्थ है दयावान। नेक्स्ट वर्ड निर्दय, इसका अर्थ है दया से रहित। नेक्स्ट वर्ड इज उभय और इसका अर्थ है दोनों। नेक्स्ट इज आग्रही और इसका अर्थ है निवेदन करने वाला। नेक्स्ट वर्ड इज स्व और इसका अर्थ है अपने। नेक्स्ट वर्ड व्यापक और इसका अर्थ है विस्तृत। नेक्स्ट वर्ड इज बानी और इसका अर्थ है वाणी। नेक्स्ट वर्ड इज निरअपराध और इसका अर्थ है बिना अपराध का। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर कंप्लीट विद आवर शब्द, सो प्लीज डू इट इन योर नोटबुक। नाउ स्टूडेंट्स, देयर आर सम क्वेश्चन आंसर्स एंड एक्सरसाइजेस दैट यू हैव टू डू इन योर नोटबुक एंड दैट इज रिलेटेड टू दिस चैप्टर। सो आई एम गोइंग टू रीड दीज क्वेश्चन आंसर्स एंड एक्सरसाइजेस फॉर यू वंस एंड आफ्टर दैट यू कैन डू दिस वर्क इन योर नोटबुक। सो लेट अस स्टार्ट। हमारा पहला प्रश्न है, उत्तर लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन, राहुल माँ से किसकी कहानी सुनना चाहता है? एंड योर आंसर इज राहुल माँ से राजा रानी की कहानी सुनना चाहता है। क्वेश्चन नंबर टू, उपवन कैसा था? एंड योर आंसर इज उपवन में तरह तरह के फूल खिले थे और चारों ओर सुगंध फैली थी। क्वेश्चन नंबर थ्री, कहानी करुणा से भरी क्यों थी? एंड योर आंसर इज कहानी करुणा से इसलिए भरी थी क्योंकि हंस तीर से बिंधा हुआ धरती पर पड़ा हुआ था। क्वेश्चन नंबर फोर, कहानी क्यों व्यापक हो गई? एंड योर आंसर इज पक्षी को मारने वाले और बचाने वाले में पक्षी को लेकर विवाद हो गया, बात न्यायालय तक पहुंच गई, सारे लोग जान गए, इस प्रकार कहानी व्यापक हो गई। क्वेश्चन नंबर फाइव, माँ ने कौन सी कहानी सुनाई? माँ ने उपवन में राहुल के पिता की उस कहानी को सुनाया था जब उन्होंने प्रयास किया था परंतु आकेटक उसे अपना पक्षी कहकर मांग रहा था। सो दीज आर फाइव क्वेश्चन आंसर्स दैट यू हैव टू डू इन योर नोटबुक। नाउ आवर सेकेंड क्वेश्चन इज पंक्तियां पूरी कीजिए। फर्स्ट वन इज डैश थे डैश कलकल स्वर से, गाते थे खग कलकल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से, गिरा बिद होकर खग शर से, हुई पक्षी की हानि। एंड योर सेकेंड पंक्ति इज हुआ विवाद सदै निर्दय में, उभे आग्रही थे स्व विषय में, गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी। सो you have to do this second question in your copy. And the third question is मिलान कीजिए। माँ कह एक कहानी, तात भ्रमण करते थे तेरे, खग गिरा बिद होकर, आखेटक लक्ष्य सिद्धि का मानी, राहुल तू निर्णय कर इसका। Now our next heading is व्याकरण बोध। First question समझिए और लिखिए। So there are some words given and you have to just do this exercise. पहला शब्द है हमारा मान मानी, दान दानी, प्राण प्राणी, ध्यान ध्यानी। So our next question is संधि कीजिए। First one is न्याय plus आलय मिलाकर क्या बना? न्यायालय। Second is औषध plus आलय मिलाकर क्या बना? औषधालय।
थर्ड वन इज चिकित्सा प्लस आल्य, तो ये जोड़कर क्या बना, चिकित्सालय। फोर्थ वन इज पुस्तक प्लस आल्य और शब्द क्या बना, पुस्तकालय। नेक्स्ट इज विश्राम प्लस आल्य एंड द शब्द इज विश्रामालय। नेक्स्ट इज वाचन प्लस आल्य और हमारा शब्द बना वाचनालय। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विलोम शब्द लिखिए। पहला है हमारा जन्म, जन्म का विलोम क्या हुआ, मरण। सेकेंड इज न्याय, अन्याय। भक्षक, रक्षक। स्वय, पराया। नाउ स्टूडेंट, देयर आर सम मौखिक प्रश्न उत्तर ऑल्सो इन दिस चैप्टर दैट यू हैव टू डू इन योर कॉपी एज वेल। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज प्रातःभ्रमण क्यों लाभकारी होता है। आंसर इज प्रातः भ्रमण से सुगंधित तथा शीतल वायु शरीर में स्फूर्ति उत्पन्न करती है। सेकेंड क्वेश्चन इज गौतम बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था। उत्तर यशोधरा। थर्ड वन इज क्रिकेट के खेल में निर्णय कौन करता है। एंड योर आंसर इज अंपायर। क्वेश्चन नंबर फोर सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। एंड योर आंसर वुड बी नई दिल्ली। सो स्टूडेंट वी हैव कंप्लीटेड दिस एक्सरसाइज, प्लीज डू दिस वर्क इन योर नोटबुक। सो डियर स्टूडेंट I have explained you whole chapter and I included poem, word meanings, question answers and exercises which you have to write in your notebook in this video. Now the important information is that PDF of this chapter will also be provided to you in your class WhatsApp group and we are also uploading home assignment in portal. So student, it's a request, so kindly check your portals as well. And keep yourself updated. Thank you so much.